ओमेगा नेटवर्क एप्लीकेशन में केवाईसी का स्लॉट आ चुका है। केवाईसी कैसे करना है इसका लाइव प्रोसेस आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो इससे पहले ओमेगा नेटवर्क एप्लीकेशन को यदि आपने अभी तक प्ले स्टोर से अपडेट नहीं किया है तो जाकर के अपडेट कर लीजिए, और जैसे ही अपडेट करेंगे तो आपके सामने एक नया फीचर्स, यहाँ पर 3 डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा यूजर्स वेरिफिकेशन का, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें केवाईसी कैसे करना है जिसका पूरा इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं, और जो लेटेस्ट वीडियो होता है जो शायद आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, और वैसे वीडियो से आप मिस कर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वो जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केवाईसी का जो प्रोसेस है किस तरीके से ओमेगा नेटवर्क एप्लीकेशन में करना है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि यूजर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन है, इसमें करना क्या है कि अपना फुल नेम देना है, कंट्री चूज करना है, आईडी नंबर देना है। आईडी नंबर में दोस्तों आपको पासपोर्ट जरूरी नहीं है, यहाँ पर नेशनल आईडी भी आप यूज कर सकते हैं। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का नेशनल आईडी, जैसे इंडिया का आधार कार्ड या पैन कार्ड, या आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल फोटो होगा, उसके बाद ओमेगा नेटवर्क एड्रेस होगा। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर फुल नेम का ऑप्शन है, तो फुल नेम जैसा कि मैं दे देता हूँ। कंट्री चूज करना है, कंट्री में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ गया आईडी नंबर। अब बात यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर कौन सा आईडी आप सबमिट करना चाहते हैं, तो बताया है कि प्लीज इंटर योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर अब क्या है कि पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है, आप अपना नेशनल आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का भी यहाँ पर आप अपना नंबर सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पर नेशनल आईडी का सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि योर ओमेगा वॉलेट एड्रेस यहाँ पर सबमिट करना है। इसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला यहाँ पर है कि यू कैन चूज योर ओमेगा टेस्टनेट वॉलेट या बीएससी या बीएनबी स्मार्ट चैन एड्रेस विद इन द एप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि ओमेगा नेटवर्क एप्लीकेशन में ही आपको यह एड्रेस मिलेगा। वो एड्रेस कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। वॉलेट एड्रेस लेने के लिए वॉलेट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हैं ओमेगा नेटवर्क या जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, बीएनबी स्मार्ट चैन का एक ऑप्शन है और एक ओमेगा नेटवर्क का। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीएनबी स्मार्ट चैन का यह जो ऑप्शन आ रहे हैं ओमेगा नेटवर्क का आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ओमेगा नेटवर्क का एड्रेस अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बीएनबी स्मार्ट चैन का जो एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पर सेंड और रिसीव का ऑप्शन है, तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, जो रिसीव का ऑप्शन है रिसीव के ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एड्रेस हमें यह देखने को मिल जाएगा, जिसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि हमारा वॉलेट एड्रेस यहाँ से मिल जाता है। अब यहाँ पर फिर से हम चलेंगे यूजर वेरिफिकेशन में, और यहाँ पर केवाईसी का जो प्रोसेस है अब यहाँ पर फिर से हमें करना होगा। तो जैसा कि जो फुल नेम है, फुल नेम जैसा कि मैं दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ओमेगा वॉलेट एड्रेस है जो कि मैं यहाँ पर सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपका फुल नेम देना है और कंट्री यहाँ पर चूज कर लेना है, आईडी नंबर, आईडी नंबर में जैसे यहाँ पर आप अपना नेशनल आईडी भी दे सकते हैं, या आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा एक और आईडी बचता है पैन कार्ड, पैन कार्ड का भी यहाँ पर नंबर आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ओमेगा वॉलेट जो एड्रेस है वो भी हमने यहाँ पर सबमिट कर लिया है। अब नेक्स्ट के सेक्शन पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के जो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं टेक अ सेल्फी का। अब यहाँ पर आई एम रेडी का ऑप्शन है, तो आई एम रेडी पे मैं यहाँ पर क्लिक करके अपना यहाँ पर फोटो जो है कि ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना सेल्फी ले लिया है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए कि कंफर्मेशन ऑफ सबमिशन का ऑप्शन आया है, कंफर्मेशन ऑफ सेंडिंग योर इन्फॉर्मेशन टू द सिस्टम फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप यहाँ पर फोटो यहाँ पर जो सेल्फी सबमिट कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी यहाँ पर इसके सिस्टम में अगर यह एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर जो आपका केवाईसी होगा ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपका कंप्लीट क्लियर होने चाहिए।
तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कि द फाइनल स्टेप टू कंप्लीट केवाईसी। अब फाइनल स्टेप में करना क्या है कि कंप्लीट द लाइव ह्यूमन डिटेक्शन स्टेप टू कंफर्म दैट यू आर अ रियल पर्सन। प्लीज फॉलो द स्टेप डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड इंश्योर दैट योर फेस इज फुली विजिबल। प्लीज डू नॉट शेयर द लिंक विथ अदर्स, द वेरिफिकेशन प्रोसेस विल फेल इफ यू शेयर इट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो लिंक है इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आगे बताया है यू हैव 6 रिमेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर 4 जून। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको केवल 6 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर केवल आपको 6 मौके मिलेंगे अपना केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, जो लास्ट टाइम है 4 जून तक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर फिर से लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया दोस्तों कि करेंटली द नंबर ऑफ एसेस इज हाई, प्लीज ट्राई अगेन इन 30 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर जो केवाईसी से रिलेटेड जो हमने डिटेल दिया हुआ था, यही प्रोसेस फिर से आधे घंटे बाद फिर से आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर प्रोसेस नहीं हुआ है। प्रोसेस नहीं होने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो एसएस है काफी ज्यादा मात्रा में लोग केवाईसी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट आधे घंटे बाद फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो आपने नेम और अपना आईडी नंबर जो दिया था वो प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि द फाइनल स्टेप टू कंप्लीट केवाईसी। अब दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल या जो स्टेप है यहाँ पर हर 30 मिनट पे आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि यह जो अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपका 100% जो है कि केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए आपको हर आधे घंटे में ट्राई करना होगा। अगर आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर यह जो प्रोसेस है दोस्तों यह आपको लास्ट टाइम जो है 4 जून तक है। 4 जून से पहले यहाँ पर यह जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों फिर एक बार हम ट्राई करते हैं, तो लेट्स गो पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या अब हमारे सामने जो है कि यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों फिर से आप देख रहे हैं कि करेंटली द नंबर ऑफ एसेस इज हाई, प्लीज ट्राई अगेन इन 30 मिनट्स। दोस्तों अगर केवाईसी से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत आती है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।